मैंने बाइक ले ली थी, लेकिन पे मुझे इतना डर लग गया था, गलती मैंने करी, वो आप मत करना। I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right. Hello guys, welcome to Sandy's After Hours and this is Mandy. So guys, आज हम जा रहे हैं एक जगह पे, हमारी डेस्टिनेशन डिसाइड की हमने, यहीं पे पास पे एक फील्ड है तो वहाँ जाएंगे। मेरे साथ मेरा छोटा भाई है जो कि यहाँ है गैराज के सामने, वो हमारा गैराज है पीछे। और आज हम थोड़ा राइड करने वाले हैं, मौसम आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है। एनीवेज, वहाँ जाके हम कुछ मेन कंसर्न्स में बात करेंगे एंड यामाहा MT-15 के साथ राइडर्स को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, खास करके शॉर्ट राइडर्स, जितने भी शॉर्ट लोग हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है कि मेरी हाइट है 5'2", जो कि एक्चुअल में शॉर्ट हाइट है। बट और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगा, और किस तरह से मैं उन्हें करता हूँ या क्या क्या चीज़ें रहती हैं आपके साथ शेयर करूँगा। कितना धीरे चल रही है वीडियो? हाँ। मुझे A few moments later. कोई दिक्कत भाई? मिल रहा है बस। कोई नहीं। फोन मिल रहा है। और तो वीडियो ऐसी आ रही है भयंकर, जैसे कि तो DSLR से आ रही है। हाँ। जब भी वीडियो बनानी है मेरे से कहना, ठीक है? ओके। क्योंकि अब मेरे को फोकस इसमें करना है। Good. हालांकि तेरी बॉडी का पूरा वेट मेरे ऊपर आ गया। सॉरी, बस पैंट का वेट आ रहा होगा। सो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन में। तो पहले हमारी डेस्टिनेशन थी वो ग्राउंड, जो कि आपने देखा होगा लर्निंग माय न्यू यामाहा MT-15 बाइक में, जो जिस ग्राउंड में मैं ट्राई कर रहा था, और बड़े भैया भी थे, भाई भी था, तो उस वाले ग्राउंड में हमने सोचा था। बट वो काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ, तो हमने सोचा कोई आइसोलेटेड जगह पर बनाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गाइस, दिस इज़ यामाहा MT-15 वर्जन 2 और 2022 का मॉडल है, BS6। तो देख सकते हैं आप कितनी क्लीन लग रही है, राइट? तो गाइज, आज का जो बेसिकली हमारे वीडियो बनाने का मोटिव है वो एक्चुअली है, आप देख सकते हैं मेरी हाइट, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 5'2", जो कि एक्चुअल में शॉर्ट हाइट है। एंड इस बाइक की जो सीट हाइट है वो अराउंड 810 mm है, जो कि आई गेस ड्यूक की जितनी है ऑलमोस्ट, एंड अदर जो बाइक्स हैं उनके जितनी। तो कई बार क्या होते हैं, काफ़ी बार क्या होता है, जब भी हम बाइक लेने जाते हैं हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी बाइक लें शॉर्ट हाइट राइडर्स, जो कंफर्टेबली चला सकें, जिसमें आराम से, मतलब वो बैठ के बिना किसी टेंशन के बैलेंस और सब चीज़ कर सकें। तो मेरे साथ भी यही सारी चीज़ें हुई थी, मैंने भी फेस करी, सो आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि शॉर्ट राइडर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती होंगी। सो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, इस बाइक में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और मैं उन्हें किस तरह से ठीक कर रहा हूँ या मैं किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि मेरे जो पाँव हैं वो कैसे पहुँचते हैं, ठीक है? आज पूरा हम शॉर्ट हाइट के बारे में और जितने भी हमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, मैं अपनी बाइक पर बैठ चुका हूँ, तो सीधी करते हैं बाइक। तो इस तरह से यार स्टैंड लगा देते हैं,
एंड गाइज ये है मेरा फ्रंट पोर्च। इस तरह से मैं जो बाइक है वो हैंडल करता हूँ, खासकर जब भी चढ़ाई हो या ट्रैफिक हो या कहीं भी मुझे रोकनी हो तो इस तरह से रहता है मेरा नॉर्मली। क्योंकि जो ये राइट वाला पाँव है वो बेसिकली मेरा ब्रेक के ऊपर रहता है, फुट ब्रेक के ऊपर रहता है, और जो लेफ्ट वाला पाँव है वो ज़मीन से रहता है। एंड तो एक बार मैं आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ कि कितना ऊपर है। ये देखिए इतना ऊपर है। तो बेसिकली जिनकी भी हाइट 5'2", 5'3" या 5'1" तो नहीं कहना चाहूँगा, 5'2", 5'3" है, तो उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इतने ऊपर रहेगा उनका पाँव, एक पाँव। और जो दूसरा पाँव है, हाँ, तो दूसरा पाँव यहाँ ऐसा रहेगा जो कि टो टिप है, मतलब एकदम लैंड से टच है, बट मेरी टोस के ऊपर सारा वेट गया बाइक का। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको शॉर्ट हाइट राइडर्स को जब कभी बाइक रोकनी है और बहुत ज़्यादा वेट लग जाता है एक पाँव में, तो आप क्या कर सकते हैं कि स्विच कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए आप स्विच कर सकते हैं या उतर सकते हैं, गाड़ी का स्टैंड लगा सकते हैं और आराम से एक जगह पर खड़े हो सकते हैं या बैठ सकते हैं, जो भी आपको करना है। तो इस तरह की ये हो गई हमारी पहली प्रॉब्लम शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो है बेसिकली, अब देखिए जब भी बाइक आप पार्क करते हैं कहीं भी और फिर बाइक को निकालना पड़ता है तो उसमें क्या दिक्कत आती है। अब जैसे दोनों पाँव नहीं लग रहे हैं, प्लांटेड हो ही नहीं रहे ज़मीन पे, तो बंदा कैसे निकालेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिकली अब बाइक से उतरता हूँ और बाइक को आगे या पीछे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से मैं मूव कर लेता हूँ। और जो बाइक का पूरा वेट है आप देख रहे होंगे, जैसे मैं बाइक को मूव कर रहा हूँ उसका जो एंगल है, जो ये टिल्ट एंगल है, वो मेरी साइड को ना कि दूसरी साइड को। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब कभी भी आप बाइक को मूव करेंगे तो उसका जो वेट होना चाहिए वो आपकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाइक का वेट दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर रोड टिल्टेड हुई, जैसे पहाड़ों में हम सभी के साथ होता है, टिल्टेड रोड में मूव करना बहुत मुश्किल आती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आगे पीछे देखना पड़ेगा किस तरह से, किस तरीके से आप ऐसे टिल्ट करें, ऐसे मूव करें बाइक को कि जो बाइक का वेट है वो आपके साइड आए। क्योंकि अगर बाइक का वेट आपकी साइड होगा तो आप डेफिनेटली उसे हैंडल कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन अगर बाइक का वेट आपके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आप उसे हैंडल नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम आएगी और आपको मूव करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये थी दूसरी दिक्कत, ठीक है। और तीसरी, अभी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई है, तो मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है चढ़ाई के टाइम पे, क्योंकि पाँव पहुँचते नहीं। और इवन ये दिक्कत सिर्फ शॉर्ट राइडर्स को नहीं, इवन जनके ठीक हाइट होती है या 5'6" या 5'7" उनको भी कभी कभी ऐसी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वेट बाइक का होगा तो उनको भी दिक्कत आएगी। तो अब मैं आपको इस चढ़ाई पे मतलब क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूँगा, एक्चुअल तो नहीं करूँगा नहीं तो बाइक गिर जाएगी, क्योंकि आपको पता है मेरी हाइट है 5'2". तो चलते हैं। तीसरी प्रॉब्लम यह आती है, अब जैसे आपने देखा होगा ये एक चढ़ाई वाला एरिया है, ये ग्राउंड मैंने इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पे आपका सीधा भी है, प्लेन भी है और चढ़ाई भी है और ढलान भी है, तो तीनों चीज़ें हैं। मैं आराम से आपको सारी चीज़ें समझा सकता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किए। ठीक गाइज, आपको पता होगा कि मैं एक न्यू लर्नर हूँ, क्योंकि मैं अभी लर्न ही कर रहा था राइडिंग, और जितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाए, और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि शॉर्ट हाइट है। और इससे पहले हमने कई सारी बाइक्स देखी थी, मैंने अपाचे भी ट्राई करी, बजाज भी ट्राई करी, मैं सोच तो रहा था बट वो फील नहीं था यार, बट यामा MT-15 उसकी एक अलग ही फील है यार, अलग ही मज़ा है उसको चलाने का। तो इस बाइक को लेने से पहले ये सारी दिक्कतें थी, एक तो मुझे नहीं आती थी, क्वेश्चन यही था कि यार 2 लाख की बाइक है और अगर मीन्स बाई चांस अगर मुझसे नहीं चली और नहीं हो पाया, क्योंकि वही सीट का जो फैक्टर है, सीट हाइट का जो फैक्टर है वो हर जगह आ जाता था मेरे साथ, तो यही लगता था कि यार अगर मैं नहीं चला पाया तो क्या होगा, वेस्ट हो गए सारे पैसे। तो यही सारी चीज़ें थी माइंड में। अब मैं जो आपको नेक्स्ट चीज़ बता रहा था वो ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा हाइट है तो वहाँ से बाइक के गिरने का है मुझे, मैं गिराना नहीं चाहता अपनी बाइक। यहाँ पे प्लेन लैंड है लेकिन यहाँ पे क्या है थोड़ा सा ऊंचाई है,
तो सेम सिनेरियो, चढ़ाई वाला सिनेरियो मैं आपको छोटे फ्रेम पे समझाऊंगा किस तरह से क्या दिक्कत आती है। तो अब मैं बाइक में बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जब मुझे बाइक पीछे करनी होती है तो क्या सिचुएशन आती है। जब पीछे करनी होती है बाइक, अब जब ढलान है तब तो चली जाती है, एक पाँव नीचे लगा है और जो दूसरा पाँव है, जो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, वो एकदम फुट ब्रेक के ऊपर है। तो एक पाँव मेरा ज़मीन के ऊपर, ज़मीन में ही रहता है लेकिन टोटी पर रहती है, ठीक है। अब जैसे मुझे बाइक को पीछे करना है तो मुझे पूरा वेट इस तरह से रहता है। तो ये देखिए, अब चढ़ाई आ गई है, टायर इससे पीछे नहीं जा रहा है भाई। अब यहाँ से दिखाना, थोड़ा एंगल बैठ के दिखाना, पीछे वाला टायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चढ़ाई लग रही है तो मेरी बाइक अपने आप ही आगे जा रही है, ये पीछे नहीं जा पा रही है। ये वही चढ़ाई वाली दिक्कत है जो मुझे बहुत बार आती है, बहुत बार चलाने में आई है। तो इस चीज़ को कैसे करें, ये चढ़ाई है इससे पीछे मूव ही नहीं हो रही है, तो इसको कैसे करना है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, हर किसी का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो मैं डिसएग्री नहीं करूँगा, लेकिन मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों को। तो मैं क्या करता हूँ ऐसी सिचुएशंस में, तो मैं उतर जाता हूँ और बाइक को उतर के मैं पीछे कर लेता हूँ पूरी जान लगा के। तो इस तरह से मैं बाइक को पीछे कर लेता हूँ और गाड़ी अगर गियर पे होगी तो अपने आप उस जगह पे स्टॉप हो जाएगी। गाइस, सबसे मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी आप लर्नर हो और सीख रहे हो या आपकी शॉर्ट हाइट है, तो उसमें गाइस आपको क्या ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले लेफ्ट साइड में चले जाओ रोड के, ठीक है। पहले क्योंकि बंदे को खुद ही समझ में आ जाता है कि पीछे वालों को दिक्कत आएगी और हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी को दिक्कत आए बेसिकली, तो साइड चले जाइए, ठीक है। आपको साइड जाना है और उसके बाद आप जो कर रहे हैं कर सकते हैं, आगे पीछे बाइक को और खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो उससे क्या होगा, ट्रैफिक लगना शुरू हो जाएगा, लोग पीछे से हॉर्न मारेंगे, फिर पैनिक होता है। और मुझे भी बहुत डर लगी थी कि पीछे से लोग आ रहे हैं और हॉर्न बजा रहे हैं और मेरी बाइक अचानक से बीच में बंद हो जाती थी, क्योंकि चढ़ाई में ना चल नहीं पाती थी, तो उस चीज़ का थोड़ा बहुत बहुत प्रॉब्लम आया, लेकिन उससे कैसे ना कैसे कोप करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अभी मैंने आपको ये चीज़ दिखाई कि अगर चढ़ाई है और आपको पीछे करनी है बाइक, तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उतरें और बाइक को पीछे कर लें। और अगर आपको कोई और ओपिनियन और ऑप्शन है अगर आपके पास, गो फॉर इट। और एक और चीज़ गाइस, जब मैं अपनी बाइक सीख रहा था तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि जो न्यू लर्नर्स होते हैं, और खासकर मैं भी अभी वही हूँ, बट मैं थोड़ा बहुत सीख गया हूँ, मैं चलाना सीख गया हूँ, तो मुझे अब उतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन पहले आती थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब कभी भी मैं गाड़ी चलाता था चढ़ाई में, तो एक तो चढ़ाई रहती थी और ऊपर से मोड़ रहता था, तो उसमें क्या होता था, बाइक रुक जाती थी, स्टॉप हो जाती थी। तो उसके लिए यार मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले बाइक को लेफ्ट साइड में ही चलाओ, और जैसी बाइक रुके, क्योंकि चढ़ाई में अगर वो चल नहीं पा रही है, क्योंकि आपको उसके लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्लच गियर और ब्रेक का, मतलब तीनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किस तरह से कितने फोर्स पे कितने थ्रॉटल पे आप बाइक को आगे ले जा सकते हो पावर पे, और प्रैक्टिस करने के साथ आप सीख जाते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियली आपको ये तो करना ही पड़ेगा, लेफ्ट साइड में जाओ, आराम से उतरो और फिर बाइक को अपनी पूरी जान लगा के आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट हाइट राइडर्स के साथ जो प्रॉब्लम आती है, आई कैन एक्सपीरियंस है। तो एक ये और एक और ये दिक्कत आती है बाइक चलाते टाइम शॉर्ट हाइट राइडर्स। तो गाइस, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब कभी भी आप ट्रैफिक या चढ़ाई में हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है मेरे ओपिनियन में कि आप उतर जाएं और बाइक को आराम से लेफ्ट साइड पे जाके लगा लें, या जिस भी जगह राइट में अगर जगह है तो वहाँ लगा लें, बट आगे पीछे ज़रा संभल के सेफली आपको सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन कोई भी चीज़ हमारे फेवर पे नहीं है फॉर शॉर्ट हाइट राइडर्स। एक तो हाइट नहीं है, ऊपर से चढ़ाई है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत मेन है और मेरे साथ डेली होती है, और अभी भी हुई, जब मैं और भाई आ रहे थे तब भी हुई, या जब मैं किसी और को बैठाता हूँ अपने साथ तब भी होती है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जिस तरह से देखिए आपको मैंने बताया कि एक ही फुट पे आपका बाइक का पूरा वेट रहता है, राइट। और इसकी जो पिलियन सीट है आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी है, ठीक है, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, आई एडमिट,
पिलियन सीट में दिक्कत ये आती है कि जब कभी भी कोई बंदा बैठ रहा होता है आपके साथ तो वो आपकी गाड़ी को डिसबैलेंस कर लेता है, क्योंकि इसे एक पाँव यहाँ रखना पड़ता है, एक पाँव वहाँ रखना पड़ता है। भाई भी जब मेरे साथ बैठता है वो भी ऐसे उछल कूद करते रहता है, तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय ध्यान आप ये दें कि आप सबसे पहले स्टेबल पोजिशन में आ जाए, स्टेबल एकदम दोनों पाँव को, आप किस पाँव पे कंफर्टेबल है ज़्यादा, लेफ्ट पे हैं या राइट पे हैं, तो आप स्टेबल पोजिशन रख लीजिए, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आपको ब्रेक लगाना है, अगर आप ढलान पे हैं तो ब्रेक का बहुत ध्यान देना है, इवन आप चढ़ाई पे भी हैं तो ब्रेक्स का बहुत ध्यान देना है। और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ आप स्टेबल पोजिशन पर आ चुके हैं, तो उसके बाद आप जो दूसरा पर्सन आपके साथ राइड कर रहा है उससे कह सकते हैं कि लेट्स राइड। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स एक टाइप की टिप है, वो खैर हमें हर बाइक में करना पड़ता है, बट उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना होगा, पिलियन सीट वाला। तो यार ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, ट्रैफिक में कैसे लगाना है, चढ़ाई और ढलान पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, खासकर पार्किंग करते टाइम या जब कभी भी आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड किन किन चीज़ों को देखना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फुट ब्रेक का कहाँ इस्तेमाल करना है, ब्रेकिंग कहाँ करनी है, और किस तरह से आप गाड़ी को मूव कर सकते हैं, गाड़ी को मूव करते टाइम जो वेट होना चाहिए वो किस साइड को होना चाहिए, आपकी साइड को होना चाहिए जिससे कि अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स ना लगे और बाइक उस साइड ना गिरे, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गाइज एक मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, जब मैंने बाइक ले ली थी लेकिन मैं सीख रहा था, उस टाइम पर मुझे इतना डर लग गया था कि मैंने शू सोल मंगाए जिससे कि थोड़ी सी हाइट बढ़ जाती है, मैंने सुना था उनके बहुत रिसर्च करने पे पता चला अच्छा ये भी होता है, तो मैंने शू में लगाया, लेकिन सच बताऊं तो उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि उससे क्या हो रहता है कि जो आपका शू है ना उससे उसकी हील की हाइट बढ़ती है उससे, लेकिन जब कभी भी हम अपने पाँव रखते हैं जमीन पे, खासकर ये बेसिकली फॉर शॉर्ट राइडर्स, तो हम क्या करते हैं, हम टो रखते हैं सबसे पहले, राइट, तो टो से तो उस सोल का कोई फायदा ही नहीं होता ना, वो लगता ही नहीं है, तो उससे मतलब आप मत लेना, जो गलती मैंने करी वो आप मत करना, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तो आपको बिना उसके करना पड़ेगा। हाँ आप ये देख सकते हैं कि जो थोड़े हाइटेड वाले शूज होते हैं, मतलब जिनकी जो सोल होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, वो कर सकते हैं, क्योंकि इनका क्या रहता है, इनका पूरा जो जो फ्रिक्शन बनता है आपका बेसिकली वो सही से बनता है, लेकिन वो सोल वाले से बहुत दिक्कत आती है, उससे पीछे भी नहीं होती थी भाई, तो ये चीज़ आप मत करना, ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कई सारे लोग कहते हैं कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि उसमें ऐसा लिखा रहता है कि हाइट पहले इतनी थी और इतनी बन गई और उसके बाद मैं आराम से अपनी बाइक चला रहा हूँ, उससे आपको दिक्कत आएगी, आपको चलने में दिक्कत आएगी, आपको हाँ हाइट तो लंबी हो जाती है उससे, बट उससे दिक्कत आपको ही आएगी, लास्ट में आप चला नहीं पाओगे अच्छे से फुट प्लांट, क्योंकि ऐसे ही होता है बाइक में, ठीक है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, टो से ही आप रोकते हो, टो से ही आप बैलेंस करते हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्या कहते हैं, शू सोल से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान में रखना होगा, एंड गाइज ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बाइक चलाते टाइम शॉर्ट हाइट राइडर्स को, और हाँ प्रैक्टिस करना, चढ़ाई पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्या होता है कि जब कभी भी हम चढ़ाई पे चला रहे होते हैं उस टाइम पे अगर ट्रैफिक लग गया तो हमें बाइक कुछ रोकना पड़ता है, फर्स्ट गियर पे डालना पड़ता है, स्लो करना पड़ता है, एंड उसके बाद जब फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है, फिर से वो जर्नी शुरू होती है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि बाइक को उतना थ्रॉटल उतना पावर ही नहीं मिल पाता आगे पुश होने के लिए, क्योंकि एक तो चढ़ाई है और ऊपर से उसे ज़्यादा पावर चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही गाइज आप सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस थोड़ा आ जाए आपको चलाने वलाने में, पहले आप आई वुड एडवाइस कि पहले आप अकेले ही चलाएं, और अगर आपको बैलेंस करना भी नहीं आता है तो आप साइकिल या स्कूटी को पहले जाएं और थोड़ा बैलेंस करना सीखें, क्योंकि एक बार आप बैलेंस करना सीखें तो उसके बाद आपका बस यही है, कंट्रोल एंड माइंड का खेल है थोड़ा बहुत, तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी मोटर नर्व एक्टिव करनी है, किस तरह से कैसा होना चाहिए। और आजकल मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, लर्निंग एक्सपीरियंस और आज के एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और मुझे आजकल बहुत मज़ा आता है इस बाइक को चलाने में, और मैं आराम से इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, फ्लिक कर सकता हूँ और काफ़ी चीज़ें कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती, बस मैं सारी चीज़ें ध्यान में रखता हूँ कि अगर मुझे बाइक रोकनी है तो कहाँ पे रोकनी है, किस साइड ढलान होनी चाहिए,
तो गाइज आई थिंक मैंने सारे प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कर ली होंगी और आपको टिप्स भी बताए किस तरह से आप क्या क्या कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रिकॉशंस हैं और कई सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी, पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें फॉलो कीजिए और आराम से और एकदम सेफली चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनकी 5'2", 5'3" या 5'4" भी है हाइट, कईयों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो गाइज रियल एग्जांपल आपके सामने हूँ मैं और मैं आराम से चला रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मेरी हाइट कितनी है, मेरे बड़े भैया की हाइट कितनी है और हम बाइक आराम से हैंडल कर सकते हैं। और मैंने पता है पहले मैंने बुलेट चलाना सोचा था, जो मेरे बड़े भैया के पास ओन करते हैं वो, तो मैंने सोचा था कि मैं बुलेट चला लूँगा, लेकिन बुलेट का वेट जो था वो मेरे एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। 190 अप्रॉक्स उसका वेट है, तो वो मेरे एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। एक तो मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी और उतना ज़्यादा वेट मैं कर नहीं पाता था और मेरे पाँव भी नहीं पहुँचते थे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था। तो इस बाइक में ना वेट है तो ये आराम से मेरे से बैलेंस हो जाती है, लेकिन अब मैं जो सीख गया हूँ तो मैं बुलेट भी चला लेता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो या अगर आप पूछना चाहें या आप डिस्कस करना चाहें, अपनी प्रॉब्लम बताना चाहें, तो आप फ्री टू कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह से शेयर करिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। और जितने भी शॉर्ट हाइट राइडर्स हैं गाइस, आप चला सकते हैं, आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखना और प्रैक्टिस करते रहना रेगुलर बेसिस पे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय। हाँ, और एक और चीज़ गाइस, एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जब कभी भी आप ट्रैफिक में चला रहे होंगे, खासकर अगर आप न्यू लर्नर हैं, जब कभी भी आप ट्रैफिक में चला रहे होंगे, तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली ये बात है कि आपको सामने वाले से कितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना ठीक हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अच्छा खासा डिस्टेंस लेके ही उससे दूर रहें आगे वाले से, कि क्या पता कब वो पीछे करने को बोल दें और आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, ये बहुत अननोटिस्ड प्रॉब्लम है जो कि बहुत लोग फेस करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपनी जो बाइक है वो इतने पास में रोक देते हैं, खासकर ट्रैफिक के टाइम पे, कि मान लो अगर सामने वाले को पीछे करने पड़ी तो फिर अब आप कैसे करोगे, क्योंकि आपके दोनों पांव तो पहुँचते हैं नहीं, तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो इस प्रॉब्लम का भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक ठाक डिस्टेंस रखें, गाड़ी को एम्पल स्पेस होना चाहिए वहाँ पे आगे पीछे करने के लिए, और साइड में भी आपकी जगह बचनी चाहिए। तो गाइस आप गाय माता भी देख सकते हैं, पर ये बैल है। और प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, अभी हम यहाँ आ गए तो मैं आपको बता सकता हूँ क्या होता है कि जब कभी भी आपको ऐसी जगह दिखे, यहाँ से दिखाना भाई, ये देखिए यहाँ मोड़ भी है और ढलान भी है, तो इस जगह पे शॉर्ट राइडर्स के लिए बहुत दिक्कत आ सकती है, जब उन्हें मोड़नी हो, अब गाड़ी उन्हें बैक ले जानी है, वो जिस रास्ते आए थे उन्हें उसी रास्ते जाना है, अब गाड़ी मोड़नी है तो वो कैसे करेंगे। कई बार क्या होता है कि एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, ऐसी ढलान आई थी और जब मैं मोड़ने लगा तो एक साइड को पूरा बाइक का वेट चला गया और उस साइड मैं संभाल नहीं पाया, ये इसके अपोजिट साइड पूरा वेट चला गया और उस समय मेरी गाड़ी गिर गई। तो ये चीज़ गाइस, ये चीज़ आप अवॉइड करना, और सॉरी फॉर द एक्स्ट्रा नॉइज़ गाइस, तो ये चीज़ आप अवॉइड करना। उसके लिए आपको सबसे पहले प्लेन जगह पे, जहाँ पे जितनी भी स्पेस दिखे वहाँ वो देख लेना, और उसके बाद आपको उतरना है और उसके बाद आपको आराम से बाइक को पीछे कर लेना। अब जो मेन दिक्कत आएगी, जो मैं समझाना चाह रहा था, वो यही है कि अब जैसे ही मैं बैठूंगा, ये देखना, ये देखिए अब ये पाँव कितना ऊपर हो गया, बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में ना मैं स्टैंड लगा पा रहा हूँ, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा, बाइक को ना ऐसी ढलान वाली साइड में आपको टिल्ट नहीं करनी है, तो अगर आप करेंगे तो आपकी बाइक गिर जाएगी, तो ये चीज़ का ध्यान रखना।
अभी जैसे मुझे आगे साइड में वहाँ पे प्लेन दिख रहा है, वहाँ पे प्लेन दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले इसे वहाँ ले जाऊँ। तो मैं ये चला, तो मुझे अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये जगह सही लगी ठीक करने के लिए। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत फ़नी चीज़ है भाई, यहाँ से दिखाना, उसे स्टैंड से रिलेटेड है। अब देखिए गाइस, जैसे देखो जैसे मैं बैठ गया ठीक है, अब मैं इसे सीधे कर रहा हूँ ठीक है। अब जब भी मुझे स्टैंड लगाना पड़ता है, मुझसे ऐसे स्टैंड नहीं लगता डायरेक्टली, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे सबसे पहले ये जो मेरी हील है, सबसे पहले मुझे मतलब आगे से ये जो अपना टो है वहाँ से करना पड़ता है, और फिर हील का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत आती है, जो शॉर्ट हाइट राइडर्स हैं उन्हें भी ये वाली प्रॉब्लम आएगी। और जब मुझे स्टैंड खोलना पड़ता है तो मुझे ऐसे खोलना पड़ता है, डायरेक्टली वैसे नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम है जो आती है। तो गाइस अब चलते हैं, चलो have a bit.